शिलान्यास नी पूर्व संध्याए खीली उठ्यू छे अयोध्या। शिलान्यास से लईने राम भक्तों में उत्साह नो माहौल जोवा मळी रह्यो छे। शुभ घड़ी माटे अयोध्या में चाली रही छे तड़ामार तैयारीओ। आवतीकाले प्रधानमंत्री मोदी करशे शिलान्यास। सरयू नदी किनारे दीपोत्सव नु भव्य आयोजन करवामां आव्युं छे। तो 7 वाग्या बाद दीप सरयू नदी किनारे दीप प्रज्वलित करवामां आवशे। हजारों दीपड़ाओथी राम घाट दीप्यो छे। तो आ विषय ज बधु माहिती माटे संवाददाता नरेन्द्र राठौर जोड़ाई चुक्या छे अयोध्या थी। नरेन्द्र जणावशो के जे रीते हवे आवती काले ते क्षण आवी गयो छे जेनो वर्षो थी सदियो थी लोको राह जोई रह्या हता। हाल कई रीतनो माहौल छे अवधपुरी मां, जे स्थानिक लोको छे तेमज जे भक्तो छे कई रीतनो आनंद उत्साह? तो जे रीते सरयू घाट पर दीपोत्सव योजवामां आवी रह्यो छे, आप जोई शको छो कि तमाम तेनी तैयारीओने आखरी ओप आपी देवामां आवी रह्यो छे। जे दीवड़ाओ छे तेमां अत्यारे हालमां तेल पूरवामां आवी रह्युं छे। तो शुभ घड़ी माटे तड़ामार तैयारीओ चाली रही छे। वर्षोना संघर्ष बाद आव्यो छे आ अनेरो अवसर। सरयू नदीना कांठे दीपोत्सवनो प्रोग्राम आजे योजवामां आवशे। तो विशेष वधु माहिती मारे संवाददाता नरेन्द्र राठौर जोड़ाई चुक्या छे। नरेन्द्र जणावशो के आवती काले जा रीते शुभ अवसर आवी रह्यो छे, हाल में अवधपुरी में केवो छे रमणीय माहौल? जी प्रतिपाल, ना मात्र अवधपुरी नी अंदर परंतु समग्र देश माटे आ एक अनोखो अवसर अने ए पण द्वारे आवीने उभो छे। आवती काले अयोध्यानी अंदर भगवान श्री रामनी जे जन्मभूमि छे एनु जे कार्यक्रम छे ए योजवामां आवनार छे। ए पहेला समग्र अयोध्यानी अंदर आजे दीपावलीनो माहौल छे। हजारो दीप अत्यार हाल आपने अहींया जोवा मळी रह्या छे। आ दीप थोड़ी ज वारनी अंदर प्रज्वलित थशे अने ए कहेशे के जे प्रकारे सतयुगनी अंदर भगवान श्री राम ज्यारे अयोध्या आव्या हता त्यारे एक खास प्रकारनी जे दीपावली उजववामां आवी हती ए ज प्रकारनुं दीपावलीनुं आयोजन जे छे એ આજે પણ કરવામાં આવી છે। અને અયોધ્યા નગરી જે છે એ પીળા રંગની અંદર જે છે એ સજી ગઈ છે। આપણી સાથે અહીંયા અયોધ્યાવાસી અને મૌની બાબા કે જેમનું ખૂબ યોગદાન રહ્યું છે સમગ્ર રામ જન્મભૂમિ આંદોલન રહ્યું છે એની અંદર, પોતે રામ જન્મભૂમિ અથવા તો રામ મંદિર બને એના માટે આંદોલન પણ કરી ચૂક્યા છે। મૌની બાબા આપણી સાથે છે। બાબા, આપને તો બહોત બાર આંદોલન ભી કિયે હૈ, સમાધિ ભી લી હૈ, પર આખિરકાર વો પ્રસંગ જો હૈ वो आ ही गया है जिसके लेके संघर्ष पूरा लंबा रहा है कि श्री धाम अयोध्या में भगवान राम का अवतार हुआ और यहाँ भगवान राम की कृपा का वरदान समस्त संसार को प्राप्त होता रहा। एक भूचक्र आया 492 वर्षों बाद, इसमें रामलला के जन्मस्थान को विखंडित करने का प्रयास कुचक्र रचा गया। उसके बाद राम मंदिर का वास्थान छिन्न भिन्न किया गया, लेकिन एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण कल आ रहा है जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ उपस्थित रहेंगे और रामलला के मंदिर के दिव्य निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन करने के बाद मंदिर का ऐतिहासिक निर्माण प्रारंभ होगा। जो पूरे विश्व में राम के भक्त हैं, जो भगवान के उपासक हैं, भगवान के साधक हैं, रामलला के प्रेमी हैं, जिन लोगों की श्रद्धा रामलला में है, वह सारे लोग बड़े भाव विभोर मन से रामलला के मंदिर को देखना चाहते थे। तमाम लोगों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, तमाम लोगों के पुत्र चले गए, तमाम के भाई चले गए, तमाम के पिता चले गए। कल उन सारे लोगों को बड़ा आत्मसंतोष प्राप्त होगा जब राम मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब राम मंदिर निर्माण हो जाएगा तो एक मानवता का संदेश जाएगा, संस्कार का संदेश जाएगा, क्योंकि राम लला के जीवन से सबको सत्प्रेरणाएं प्राप्त होंगी। राम केवल एकमात्र उपासना के ही जीवन के उद्देश्य नहीं है। राम की जो मर्यादाएं थी, चाहे वो राजनीति के रूप में रही हो, चाहे वो तंत्र के रूप में रही हो, चाहे वो पराक्रम के रूप में रही हो, चाहे वो क्षमा के रूप में रही हो, चाहे वो कृपा के रूप में रही हो, चाहे वो दया के रूप में रही हो, चाहे उपासना के रूप में रही हो, चाहे त्याग के रूप में रही हो, चाहे निर्णय के रूप में रही हो, हर दृष्टि से रामलला का एक ऐतिहासिक इतिहास रहा है। जरूर से राम मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए ही कहा जाता है, पर इस घड़ी पे आप उसको चाहे शब्दों में या फिर कोई मंत्रोच्चार से अगर आप बोलना चाहोगे या वजन के रूप में, वो कैसे कहोगे? नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै शतस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो
नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्य वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशौरुशौरभुशमाहित योगि चित्तम् हन्तुम् त्रितापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् शनबानशाली परिपीत पराग पुंजम्। भविष्य का अयोध्या कैसे होगा, क्योंकि मतलब अब तो बहुत सारी कानूनी लड़त रही है, पर अब जब रास्ता साफ दिख रहा है तो किस प्रकार का अयोध्या आप देख रहे हैं? देखिए, जो भविष्य का अयोध्या होगा वह भूमंडल का सबसे सुंदर अयोध्या होगी। सारे देश के लोग यहाँ आएंगे, सारे विश्व के लोग यहाँ आएंगे, सभी भाषा के लोग यहाँ आएंगे, सभी संस्कृति के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ तक कि देव धनुज किन्नर नरश्रेणी देवतागण भी यहाँ आकर के रामलला का दर्शन करेंगे। किसी एक देश या किसी प्रदेश की बात नहीं होगी, संपूर्ण भूमंडल की बात मैं कर रहा हूँ, सभी देश भाषा की बात कर रहा हूँ। और रामलला तो मुस्लिम राष्ट्रों में भी उनके नाम सिक्के चलते हैं, रामलला तो सब के हैं, किसी जात विशेष के नहीं है। इसलिए जात विशेष में रामलला को बाधना बड़ा संकुचित विचारधारा होगी। राम सब के हैं, सब पर कृपा करते हैं, सब पर दया करते हैं, सबको क्षमा करते हैं, सबका आनंद करते हैं, सबका मंगल हो। जय महाकाल। भगवान श्री राम जे छे सौना छे ने एना जे कारणे आ प्रकारनी खुशीनो जे माहौल छे ए समग्र अयोध्या नगरी नी अंदर अत्यार हाल जोवा मळी रह्यो छे। सामेनो जे आप दृश्य जोई रह्या छो ए जे छे ए राम घाट छे, अने त्या अने आ तरफ एटले के आ समग्र रामघाट छे, अने त्या दीप ज्वलित थनार छे। थोड़ी ज वारनी अंदर ए पहेलाना आ तमाम जे दृश्य छे आपने वीटीवीनी स्क्रीन पर अत्यार हाल जोवा मळी रह्या छे। महत्वनुं छे के आवती काले वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी सहितना तमाम जे लोको छे अहींया उपस्थित रहेनार छे, अने ए पहेला जे अयोध्या नगरी छे आज सवारमां पण तमाम वीटीवीना दर्शकोने ए दृश्य देखाड्या हता के केवी रीतना अयोध्या नगरी जे छे ए झळहळी उठी छे, पीड़ा रंगनी अंदर करवा रंगाई चूकी छे। अने जे प्रकारे सतयुगनी अंदर ज्यारे भगवान श्री रामनो जन्म थयो हतो, अने त्यारे भगवान श्री राम ज्यारे अयोध्यानी अंदर पहोंच्या हता, अने जे प्रकारे अयोध्या नगरी हती ए ज प्रकारनी अयोध्या नगरी अत्यार हाल पण लागे ए ज प्रकारनुं आयोजन सामेनी तरफ रंगोळी अने ए सहितना तमाम जे आयोजनो छे ए पण करवामां आव्या छे। एटले के ज्यां पण जुओ त्यां मात्र ने मात्र हर्षोल्लास जोवा मळी रह्यो छे, अने लोको जे छे ए खुश जोवा मळी रह्या छे। कारण के आखरे 492 वर्षनो जे कळियुगनो इतिहास रह्यो छे एनी अंदर भगवान श्री राम के जे एमनुं, कारण के हिंदुओनी जे लागणी हती एनी अंदर तेओ वारंवार कहेता हता के ज्यां भगवान श्री रामनी साथे आस्था साथे करोड़ों लोको जोड़ायेला छे, अने ए भगवान श्री रामनो जे जग्या पर जन्म थयो हतो ए जग्या पर मंदिर पण न हतुं, आखरे मंदिर बनवा जई रह्युं छे, अने एनी खुशी अयोध्या नगरीनी अंदर जोवा मळी रही छे। जी जी नरेन्द्र, आप जोड़ायेला रहेजो, आगळ पण आपणी पासेथी माहिती लेता रहीशुं। तो राम मंदिरना निर्माण माटे सोमनाथथी अडवाणीनी राम रथ यात्रा निकली पड़ी थी, गुजरात में भरपूर प्रतिसाद पण मळी रह्यो हतो।